नमस्कार दोस्तों, वीकली कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल अग्रवाल। 9 से 15 अगस्त के वीकली कंपाइलेशन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पीएम दक्ष पोर्टल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया था पीएम दक्ष पोर्टल और एक पीएम दक्ष मोबाइल ऐप। सो दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रही योजना, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2021 में लॉन्च किया एंड इट इज अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड पर्संस कवरिंग एससीज, ओबीसीज, ईबीसीज यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, देन उसके बाद डीएनटीज, सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स एटसेट्रा। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत जो एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स होंगे उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाएगी। अप स्किलिंग, री स्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा। The training programs are being implemented through government training institutes, sector skill councils constituted by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and other credible institutions. Okay, so under this particular ministry, तीन एपेक्स कॉर्पोरेशन हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। कौन कौन से? नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो कॉर्पोरेशन हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स एट कंसेशनल रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स टू द टारगेट ग्रुप्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड सफाई कर्मचारी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिसाइड्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ द टारगेट ग्रुप्स। देन उसके बाद निकरा, यानी कि नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इन्फॉर्म्ड राज्यसभा अबाउट दिस। और ये जो निकरा है, इट्स अ नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ ICAR, फरवरी 2011 में लॉन्च हुआ था। इट एम्स टू एनहांस द रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी थ्रू स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। सो जो रिसर्च होगा, इट विल कवर क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कवरिंग क्रॉप्स, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट चेंज थ्रू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो बेसिकली हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो लाइफ स्टॉक्स हैं, हमारी जो फिशरीज हैं, वो क्लाइमेट चेंज को लेके अडॉप्ट कर पाए इन फ्यूचर, और बेसिकली टू डेमोन्स्ट्रेट साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पैकेजेस ऑन फार्मर्स फील्ड्स for adapting to current climate risk, also to enhance the capacity building of scientists and other stakeholders in climate resilient agricultural research and its application. The project is composed of four components. Pehla, strategic research on adaptation and mitigation. Dusra, technology demonstration on farmers' fields to cope with current climate variability. Sponsored and competitive research grants to fill critical research gaps. Capacity building of different stakeholders. Then there is National Edible Oil Mission, Oil Palm, NMEOOP. ठीक है, so Prime Minister of India has released the 9th installment under the PM Kisan Samman Nidhi Scheme, और साथ ही साथ एक नया initiative भी basically announce किया गया है, जिसका नाम है National Edible Oil Mission, Oil Palm, NMEOOP. ठीक है, so ये जितने भी schemes हैं, ये बहुत ज़्यादा important हैं, guys. The aim is to incentivize the production of palm oil to reduce dependence on imports and help farmers cash in on the huge market. Under the scheme, oil palm palm farmers will be provided financial assistance. ठीक है, financial assistance उन्हें provide की जाएगी, और साथ ही साथ under a price and viability formula, they will also get remuneration. The special emphasis of the scheme will be in India's northeastern states and the Andaman Nicobar Islands, because वहाँ पे जो weather conditions हैं वो conducive होंगे. And the government has planned to raise the domestic production of palm oil by 3 times to 11 lakh MT. ठीक है, so by 2025, so this will involve raising the area under oil palm cultivation to 10 lakh hectares by 25 and 16.7 lakh hectares by 2029-2030. India is the world's biggest buyer of edible oils. India buys more than 2/3 of its total edible oil imports as palm oil. 2016-17 mein the total domestic consumption was 9.3 million MT. जिसमें से 98.97 यानी कि लगभग 99% जो है मलेशिया, इंडोनेशिया से इंपोर्टेड है।
ठीक है, देन देयर इज दिस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ दिस एंड इट इज एन इंडियन चैप्टर ऑफ द यूएन बेस्ड फोरम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. ओके, सो डबल आई जी एफ, इट वॉज लॉन्च्ड एज अ पॉलिसी डिस्कशन प्लेटफॉर्म to bring representatives together from various groups to discuss public policy issues related to the internet. Okay, this mode of engagement is referred to as the multi-stakeholder model of internet governance, which has been the key feature of the internet for the internet's success. ठीक है, so पहला session जो है basically October में host होगा. IIGF will host a session ताकि public policy issues को discuss किया जा सके internet से related. And the theme is inclusive internet for digital India. Now, what is this Internet Governance Forum? ये एक multi-stakeholder governance group है for policy dialogue on issues of internet governance. The purpose is basically it brings together all the stakeholders in the internet governance debate, whether they represent governments, the private sector, or civil society through an open and inclusive process. Now, the establishment of IGF was formally announced by the UN Secretary General in 2006. Its first meeting was first convened in 2006 and has held on annual meeting since then. ठीक है, UN office Geneva, Switzerland में secretariat है और जो इसकी funding होती है, it is through the extra budgetary trust fund account maintained managed by the UN Department of Economic and Social Affairs, that is UNDESA. Then Zayed Talwar. Indian Navy took part in a bilateral exercise named Zayed Talwar 2021 with the UAE Navy of the coast of Abu Dhabi. ठीक है, so ये India और UAE की Navy के बीच में bilateral exercise है जिसका नाम है Zayed Talwar. The exercise is designed to enhance interoperability and synergy between the two navies. And as part of the exercise, the Indian Navy deployed warship INS Kochi and two Sea King Mk-42B helicopters. ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में जो और एक्सरसाइज है उनके नाम भी आपको बताता हूं. एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल 2, ये एक बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई. देन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इट्स एन एनुअल मल्टीलेटरल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएई. ओके, सो 2021 में 6 देश थे, इंडिया, यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, बहरीन, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. देन पीआईबी की ये खबर है, पीएम उज्ज्वला योजना. So Prime Minister of India has launched this by handing over LPG connections at Mahoba, UP. ठीक है, so PM Ujjwala Yojana was launched by the Ministry of Petroleum and Natural Gas 2018 में launch किया था इस ministry ने इस particular scheme को. And ये launch किया गया था ताकि जो unclean cooking fuels हैं, जो rural India में mostly use किए जाते हैं, उन्हें replace किया जा सके with the clean and more efficient LPG. Under the scheme, an adult woman member of a BPL family identified through SECC was given a deposit-free LPG connection with the financial assistance of rupees 1600 per connection by the center. Target, initially the target was the installation of 5 crores LPG connections by 2019, but it was revised to 8 crores, which were achieved in August 2019. PM Ujjwala Yojana 2.0, in the Union Budget for 21-22, the government has announced the target of an additional 1 crore LPG connection. This will be provided under Ujjwala 2.0, and it aims to provide deposit-free LPG connections to those low-income families which could not be covered under the earlier phase of PMUY. ठीक है, और अलॉन्ग विद द डिपॉजिट फ्री कनेक्शन ऑफ एलपीजी, उज्ज्वला 2.0 विल आल्सो प्रोवाइड द फर्स्ट रिफिल एंड हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशियरीज. मोर ओवर द माइग्रेंट्स वुड ओनली बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ देयर रेसिडेंशियल एड्रेस कि अगर उन्हें गैस कनेक्शन अगर चाहिए तो. सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली रामसर लिस्ट में और ये दो वेटलैंड्स जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं, तो इससे हमारी रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 46 हो गई है. सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है. ओके, द पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस 353 एकर्स. द पार्क इज एन इंपॉर्टेंट वेटलैंड दैट हार्बर्स रिच प्लांट एनिमल लाइफ. इट सपोर्ट्स मोर देन 220 स्पीशीज ऑफ रेसिडेंट विंटर माइग्रेटरी लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल. मोर देन 10 ऑफ दीज आर ग्लोबली थ्रिएटेंड इंक्लूडिंग द क्रिटिकली इंडेंजर्ड सोशिएबल लॉकविंग. देन बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ये भी हरियाणा में, 2009 में इसे बर्ड सेंचुरी भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कॉरिडोर अलॉन्ग द रूट ऑफ साहिबी रिवर विच ट्रेवर्सेस फ्रॉम अरावली हिल्स इन राजस्थान टू द यमुना एंड इट इज लोकेटेड जस्ट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम खपड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट वेटलैंड दैट प्रोवाइड्स अ सेफ हैबिटेट टू न्यूमरस एनिमल्स एंड प्लांट्स.
A total of 265 species of birds have been reported from the site, and more than 30,000 migratory birds belonging to over 250 species visit Bindawas throughout the year. Permanent Forum of People of African Descent. Okay, so UN General Assembly has approved a resolution establishing a permanent forum of people of African descent. Ye jo forum hoga, ye serve karega as a platform for improving the safety and quality of life and livelihoods of people of African descent and their full inclusion in the societies where they live. The mandate is to advance the full political, economic, social inclusion of people of African descent in the societies in which they live, to provide expert advice, recommendations to the Human Rights Council, the Assembly's main committees and the UN, the various UN entities working on issues related to racial discrimination. Now, composition of the forum. The forum will consist of 10 members, 5 elected by the General Assembly from all regions and 5 appointed by the Human Rights Council following consultations with regional groups and organizations of people of African descent. The forum's first session will take place in 2022. Okay. The forum's establishment comes during the International Decade for People of African Descent established by the General Assembly, which began on 1st of January 2015. It will end on 31st of December 2024. So it is focusing on themes of recognition, justice, development, and the new body's creation comes ahead of the 20th anniversary of the 2001 UN World Conference Against Racism in Durban, South Africa. Fembosa News mein rehta hai, Chief Election Commissioner ne 11th meeting jo thi Forum of the Election Management Bodies of South Asia inaugurate ki thi 2021 ki, aur basically annual meeting was hosted by the Election Commission of Bhutan. Isme India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka. Okay, so Pakistan ko chhod ke sabhi ne hissa liya tha. Agar hum Asia ki baat kare, theme is use of technology in elections. Okay, so ek Thimphu resolution bhi basically Bhutan ki rajdhani hai, so uske naam pe ye resolution hai jo ki unanimously sarvasammati se Fembosa members dwara adopt kiya gaya, to extend the tenure of chairmanship to 2 years during the current pandemic situation. Theek hai, so Fembosa ko establish kiya gaya tha at the third conference of heads of election management bodies of SAARC countries in 2012. The aim is to increase mutual cooperation in respect to the common interest of the SAARC and EMBs. And iske member countries agar hum dekhen, to aap dekh sakte ho, jaisa ki maine aapko bataya, Pakistan ko hata do aap. Meeting mein jo iski annual meeting hoti hai wo rotation wise held ki jati hai. And iske objectives kya hai? SAARC countries ki jo election management bodies hain unke beech mein कांटेक्ट प्रमोट करना, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सीखना, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के फॉलो करना एटसेट्रा. देन उसके बाद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ओके पीएमईएसी, इसने एक इंडेक्स रिलीज किया था जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली. ठीक है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ पीएमईएसी. द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द रीजनल पैटर्न्स ऑफ एजिंग अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स एंड असेसेस द ओवरऑल एजिंग सिचुएशन इन इंडिया. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ डीपर इनसाइट इनटू हाउ वेल इंडिया इज डूइंग टू सपोर्ट द वेल बींग ऑफ इट्स एजिंग पॉपुलेशन. Okay, 4 pillars are there: financial well-being, social well-being, health system, income security. 8 sub-pillars are there: economic empowerment, educational attainment, employment, social status, physical security, basic health, psychological well-being, social security and enabling environment, etc. Key findings of the index: India is currently enjoying the demographic dividend, but the age group above the age of 65 will become the fastest growing age group by 2050. So, ये डेटा बहुत ज्यादा काम के हैं. जब भी आप इस तरीके के इंडेक्स पढ़ो, आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के डेटा को आपको हमेशा पढ़ते रहना है, और जब भी आप नोट्स बनाओ तो आपको इन्हें रिवाइज करना है, बिकॉज एमसीक्यूज में कई बार ये चीजें जो है वो पूछ ली जाती है. द शेयर ऑफ एल्डर्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 7.5% इन 2001 to almost 12.5% by 2026 and surpass 19.5% by 2050. Further, there will be significantly higher proportion of women than men in the higher age cohort due to higher life expectancy. State-wise assessment: Rajasthan is the top scorer in the aged states category, defined as states with an elderly population of more than 5 million. Himachal Pradesh leads in the relatively aged states section, and Mizoram leads in the northeastern states category and Chandigarh among all the UTs. Pillar wise mein dekhe to health system pillar observes the highest national average.
Then financial well-being observes a score of 44.7. It is at a lower stage due to the low performance of 21 states across the education attainment and employment pillar, which showcases the scope for improvement. States have performed particularly worse in the income security pillar because over the half of the states, they have a score below the national average in income security, which is the lowest across all the pillars. Then ISRO's second mission, EOS-03, it faced a setback. It could not be fully accomplished. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉकेट की क्रायोजेनिक स्टेज में कुछ परफॉर्मेंस एनोमली आ गई थी. एंड EOS-03, इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट अजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इट वॉज लॉन्च्ड बाय GSLV-F10. ठीक है, सो इट वॉज कैपेबल ऑफ इमेजिंग द इंटायर कंट्री 4 to 5 times एवरी डे. मजाक नहीं है. It was riding on a GSLV rocket, which has a new payload carrier designed to significantly reduce aerodynamic drag and thus carry larger payloads. The rocket was supposed to deposit the satellite in the geostationary transfer orbit, from where the satellite's onboard propulsion system will guide it to a geostationary orbit 36,000 kilometers from Earth's surface. ठीक है, so geostationary transfer orbit, it's a circular orbit positioned approximately 35,900 kilometers above Earth's equator, having a period of same duration and direction as the rotation of the Earth. An object in this orbit will appear stationary relative to the rotating Earth. Significance: EOS-03, it is part of the new generation of Earth observation satellites. It was meant to provide almost real-time images of large parts of the country. The images could be used for monitoring natural disasters like floods, cyclones, water bodies, crops, vegetation, forest cover, etc. And it was being sent ahead of EOS-02, which has been delayed by the COVID-19 pandemic. Okay, so it was supposed to be launched around March, April, but now it has been rescheduled, and it was supposed to ride on ISRO's new small satellite launch vehicle rocket, and it will broaden ISRO's current rocket range that comprises PSLVs and GSLVs and cater to the increasing demand for launching of small commercial satellites. Then DABUS, recently South Africa granted a patent to an artificial intelligence system named DABUS, Dabus, for invention of food containers based on fractal geometry. Okay, so the AI has designed interlocking food containers that are easy for robots to grasp. It should be noted that the UK's Intellectual Property Office and the European Patent Office had both rejected patent applications regarding inventions made by Dabus. Okay, South Africa's decision has received widespread backlash from intellectual property experts. Some have labeled it as a mistake or an oversight by the patent office because the inventor in this case is not a human being. And under the present patent law, only natural persons may be named as an inventor in a patent application. Also, ideas for the purposes of patents require the element of mental conception, something of which only a human mind is capable. Dabus ka full form hai, device for the autonomous bootstrapping of unified sentience, created by Stephen Thaler, a pioneer in the field of AI and programming. So top, bottom view, side view. The system mimics human brainstorming and creates a new invention. And it's a particular type of artificial intelligence, often referred to as creativity machines, because they are capable of independent and complex functioning. Machines which can process and critically analyze data and learn from it are referred to as creativity machines. This process is known as machine learning. Then uske baad, Central Sector Integrated Scheme on Agricultural Cooperation, CSISAC, okay, Minister of State for Cooperation has informed Rajya Sabha about the Central Sector Integrated Scheme. Aur ye jo scheme hai, theek hai, 11th 5-year plan ki jo do pichli schemes thi, unka merger hai, theek hai. So Central Scheme for Education and Training. Objective is to provide financial assistance for improving the economic conditions of cooperatives, remove regional imbalance, speed up cooperative development, or jo bhi assistance provide ki jayegi through the National Cooperative Development Corporation ki jayegi. Key features: financial assistance is provided under the scheme for marketing, storage, processing of agricultural produce besides the supply of agricultural inputs. Subsidy to the tune of 15% to 25% is provided to cooperatives depending on the category of state, in addition to the long term loan. The government also provides a guarantee for procurement operations of the NAFED. Moreover, assistance is provided for providing training to farmers who are members and employees of various types of cooperative societies through the NCUI and NCCT.
Elephant and Tiger Census on the World Elephant Day, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has announced that population estimation of elephants and tigers will be done together in 2022. Currently, ये separately conduct किए जाते हैं. ठीक है, सो ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हर चार साल में कंडक्ट होता है और NTCA इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कंजर्वेशन एनजीओस कोऑर्डिनेटेड बाय WII इट इज कंडक्टेड. ठीक है, टाइगर्स को काउंट किया जाता है कैमरा ट्रैप्स और बेसिकली कई सारे इनडायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड्स भी हैं और 2018-19 के सर्वे के हिसाब से लगभग 2997 टाइगर्स हैं. और एलिफेंट सेंसस हर पांच साल में कंडक्ट होता है, इट रिलाइज ऑन states directly counting the number of elephants. In recent years, techniques such as analyzing dung samples has also been deployed ताकि population trends, birth rate estimate किया जा सके. 29,964 elephants हैं last count के हिसाब से. It is being conducted ताकि population estimated estimation methods में harmonize और साथ ही साथ उसे improve किया जा सके. And secondly, 90% of the area occupied by both is common. तो उससे पैसे भी बचेंगे भाई, खर्चा बचेगा आपका. ओके, एशियन एलिफेंट्स का IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है इंडेंजर्ड और साथ ही साथ अलग अलग शेड्यूल्स में भी ये लिस्टेड है, प्रोटेक्शन दी गई है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई किए थे. ठीक है, सो इस वजह से भी ये चीज न्यूज में थी. मेन पर्पस इज द रूल एम टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाई 2022. ठीक है, की प्रोविजंस, रेंज ऑफ प्लास्टिक्स बैंड, द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज ऑफ द फॉलोइंग सिंगल यूज प्लास्टिक कमोडिटीज शैल बी प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2022. जिसमें है आपका ईयरबर्ड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टायरीन, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, रैपिंग, पैकेजिंग, फिल्म्स एटसेट्रा. देन उसके बाद थिकनेस, द परमिटेड थिकनेस करेंटली 50 माइक्रॉन्स विल बी इंक्रीज टू 75 2021 तक, बेसिकली सेप्टेम्बर तक, और 2022 सेप्टेम्बर तक, दिसंबर तक इसे 120 माइक्रॉन्स किया जाएगा बिकॉज प्लास्टिक बैग्स विद हायर थिकनेस आर मोर इजिली हैंडल्ड एंड दे हैव हायर रिसाइक्लेबिलिटी. ठीक है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट विच इज नॉट कवर्ड अंडर द फेज आउट ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स शुड बी कलेक्टेड. ठीक है, ये जो बैन होगा ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी कमोडिटीज पे अप्लाई नहीं होगा. एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स आर डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल मटेरियल जैसे कि कॉर्न, पोटैटो, टेपियोका, स्टार्च एटसेट्रा. EPR इट्स अ पॉलिसी अप्रोच इन विच प्रोड्यूसर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस वंस दोज प्रोडक्ट्स आर डेजिग्नेटेड as no longer useful by the consumers. So other plastic commodities, for banning other plastic commodities in the future other than those that have been listed in the notification, the government has given the industry 10 years from the date of notification for compliance and implementation. CPCB yani ki Central Pollution Control Board along with the state pollution bodies will monitor the ban, identify violations and impose penalties already prescribed under the EPA 1986. So, आज का हमारा ये सेशन यहाँ समाप्त होता है दोस्तों. मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके.